हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 28 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का रेडी लेंथ है 12 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो हो गया है 13 इंच। तो मैंने 13 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया है 4.5 इंच और आर्म होल लिया है 5 इंच और चेस्ट है 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करने से होते हैं 7 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो उसको खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आर्म होल की गुलाई के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और नेक विथ लिया है 2 इंच, नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है और बैक नेक का डीप लिया है मैंने 8 इंच। 8 इंच या 9 इंच आप लोग ले सकते हैं, कोई बात नहीं। बैक नेक का डीप और चाहे तो बैक साइड में डीप नेक पे कोई भी डिजाइन भी दे सकती है। तो मैंने मार्किंग करना कंप्लीट हो गए है, अभी फ्रंट पार्ट मार्किंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो बैक पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा लेना चाहिए, तो मैंने जो फ्रंट पार्ट का लेंथ है वो लिया है मैंने 13.5 इंच और शोल्डर लिया है मैंने 4.5 इंच और आर्म होल लिया है 5 इंच और चेस्ट है 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करने से होता है 7 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया था वैसे फ्रंट पार्ट में भी ले लिया है। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गुलाई के लिए 1 इंच लेना चाहिए, आप लोग हमेशा ही फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गुलाई के लिए 1 इंच ले लेना। तो मैंने गुलाई का शेप दे दिया है और नेक का चौड़ाई लिया है 2 इंच और फ्रंट नेक का डीप लिया है 5.5 इंच। तो अभी उसको सिंपल गुलाई का शेप दे दूंगी, आप लोग चाहे तो डीप नेक पे बहुत सारे डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन भी कर सकती है। और शोल्डर से नीचे तक मैंने टैक्स पॉइंट के लिए 9 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ये साइड से मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग किया है और नीचे की साइड से मैंने 2.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है और 1 इंच ले लूँगी जो प्रिंसेस कट है उसका शेप देने के लिए और 2 इंच ऊपर तक मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। अभी जो प्रिंसेस कट का शेप है वो शेप दे दिया है मैंने और 1/2 इंच ऊपर इस तरह से रखते हुए और एक मार्किंग कर देना है। और जो मैंने 1 इंच लिया है वो 1 इंच मैंने साइड से एक्स्ट्रा और ले लूँगी, तभी उसको इस तरह से मार्किंग कर दूंगी। तो देखो हमारे ये जो प्रिंसेस कट है वो लगभग मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी कटिंग कर लूँगी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट एक साथ कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और आप लोग चाहे तो इस तरह से फॉर्मा भी बना के रख सकती है। और फॉर्मा से ब्लाउज कटिंग करने से जो फैब्रिक होता है बहुत ही कम लगता है और टाइम भी बहुत ही कम लगता है। तो मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये जो फॉर्मा है वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 28 साइज पेपर फॉर्मा कटिंग देने के लिए, तो मैंने वो दीदी के लिए इस तरह से कटिंग किया है, तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो आप लोग चाहे तो मेन फैब्रिक में डायरेक्ट कट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने सारे पार्टों को कट कर लिया है, ये आप लोग देख सकती हो। अभी सिर्फ कटिंग करना है स्लीव। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए बैक पार्ट से मेजरमेंट ले रही हूँ, तो आया है 7.5 इंच। अभी जो पेपर है पेपर को मैंने 2 फोल्ड कर लूँगी और चौड़ाई में ले लूँगी 7.5 इंच। जो मैंने बैक पार्ट से मेजरमेंट लिया था ना, तो आया है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर एक मार्किंग कर दिया है और स्लीव का लंबाई रखा है मैंने 6 इंच। आप लोगों का लंबाई जितना चाहे इतना रख सकती है और जितना स्लीव का लंबाई रखेंगे उससे 2.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना है और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और ये साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिलाना है, उसके बाद जो स्लीव है उसका शेप दे देना है। और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। अभी मुहूरी है 4 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो ही गए हैं लगभग, आप लोग देख सकती हो। तो अभी स्लीव को भी मैं कटिंग कर लूँगी और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो मैंने स्लीव को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लूँगी
और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज का ब्लाउज कटिंग एंड टीचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टीचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं फेसबुक पेज में, वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना। तो इसमें मैंने लिंक भी दिया है कि 28 साइज का ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।